नमस्कार साथियों, बहुत अच्छी आपने तैयारी की, बहुत ही शानदार आपका पेपर गया। अब बारी आती है कट ऑफ की, तो कट ऑफ की चर्चा करेंगे। और किसकी कट ऑफ की चर्चा करेंगे? कंप्यूटर अनुदेशक जूनियर व सीनियर जो दोनों ही आपके एग्जाम हुए, उस परीक्षा की कट ऑफ को लेकर आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले। आप सभी का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज आपका जो बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है कि 40% में किसकी लगी लंका और किसका बजा डंका, ये 40% का राज क्या है? स्टूडेंट्स के रिव्यू के आधार पर अनुमानित कट ऑफ हमने तैयार की है। वो कट ऑफ आपको कैसा लगता है कि वास्तव में इतनी कट ऑफ रह सकती है? आप वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले प्रत्येक एजुकेशन से रिलेटेड उपयोगी वीडियो, हमारे ऑनलाइन क्लास सेशंस, डाउट सेशन, ये तमाम आप सभी को समय समय पर उपलब्ध हो सकेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, ये क्या है? इसमें दो वैकेंसी थी, जूनियर व सीनियर। जूनियर में दो पेपर थे, एक कॉमन पेपर और एक सब्जेक्ट का पेपर। सीनियर में भी सी पैटर्न से दो पेपर थे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। अब जूनियर की बात करते हैं। सबसे पहले जूनियर की कट ऑफ की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद सीनियर की कट ऑफ की चर्चा करेंगे। TSP व नॉन TSP दोनों की चर्चा करने वाले हम इस वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक बने रहना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर अनुदेशक जूनियर कट ऑफ। जूनियर की कट ऑफ की बात करें नॉन TSP, देखिए पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। अब इसमें 40% का राज क्या है, उस 40% के राज की बात कर लेते हैं। 40% में क्या था कि आपको 40% प्रत्येक पेपर में नंबर लानी है, फर्स्ट पेपर में भी 40 और सेकंड में भी 40। अब यहाँ पर बहुत बड़ा झमेला होने वाला है कि क्या है कि बच्चों के 40% नंबर नहीं बैठ रहे हैं। इस वजह से काफ़ी बच्चे जिनका सेकंड पेपर अच्छा हुआ परंतु फर्स्ट पेपर में 40% मार्क नहीं बैठ रहे हैं, बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया था कि चाहे हमारी सीटें खाली रह जाएं परंतु हम 40% जो क्वालिफाई नहीं करेगा तो उसको नहीं लेने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वजह से कट ऑफ में काफ़ी आपको गिरावट दर्ज करने में, यहाँ जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये 2 गुना की कट ऑफ है प्यारे दोस्तों, यानी कट ऑफ इससे भी नीचे भी आ सकती है, वह 1 गुना की आएगी, जब देख लेना आप। ये आप लोगों ने ही बताया हमें कि ऐसा ऐसा पेपर आया और इतने नंबर लगभग स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, एक सर्वे के आधार पर हमने ये तैयार किया है। तो मैं बात करता हूँ नॉन TSP जनरल कैटेगरी, जिसके 120+ नंबर आ रहे हैं नॉन TSP में। कंप्यूटर अनुदेशक जूनियर की बात करें, जूनियर में वो बिल्कुल सेफ स्कोर में है, 120+, ये सिर्फ 2 गुना की कट ऑफ है। अब देख लेना आप 1 गुना में कितना डाउन जा सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए, 112+, ये 200 नंबर में से बात हो रही है प्यारे दोस्तों। अगर जिसके 200 में से 120+ नंबर आ रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ में है। और अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो 112+, लगभग 112+ मान लो आप, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है परंतु 112+ आ रहे हैं, बिल्कुल वो सेफ स्कोर में समझे। OBC में 115+, MBC में 106+, आगे देखिएगा। SC में अगर जिसके 105+ नंबर आ रहे हैं जूनियर में, वो क्या है, बिल्कुल सेफ स्कोर में। ST में 100+ नंबर वाला भी सेफ स्कोर में। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आगे TSP की, तो TSP में जनरल कैटेगरी के 105+, EWS में 98+, OBC में 103+, MBC में 90+, SC में 90+, और ST में तो 80+ वाला भी 2 गुना की लिस्ट में लिस्ट आउट हो सकता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर अनुदेशक सीनियर की, तो सीनियर की कट ऑफ की चर्चा करें प्यारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बताना कि पेपर में आपको कैसा लेवल लगा और कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, आप हमारी कट ऑफ में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ये सारे जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर अनुदेशक सीनियर की, नॉन TSP 115+, देखिए कंप्यूटर अनुदेशक सीनियर का जूनियर से बहुत ही अच्छा लेवल था, परंतु आपको पता है जो सीनियर सीनियर होता है तो उस हिसाब से लेवल आना ही था। तो 115+ जिसके आ रहे हैं 200 में से, वो बिल्कुल सेफ स्कोर में रहेगा। EWS, एक मिनट देखिएगा, अपन लोग चर्चा कर रहे थे ये रहा, जनरल में 115+, EWS 110+, OBC 112+, MBC 105+, SC 107+, ST 103+, जिसके नंबर आ रहे हैं 200 में से प्यारे दोस्तों, वो क्या है, बिल्कुल सेफ स्कोर में है। सेफ स्कोर में मानिए आप 2 गुना की लिस्ट में आप लिस्ट आउट हो सकते हो, क्योंकि पेपर का लेवल इतना हल्का नहीं था।
टीएसपी, कुछ लोग हो सकता है हमारी कट ऑफ से सहमत नहीं हो, परंतु देख लेना आप जब रिजल्ट आए तब। टीएसपी की बात करूँ तो मैं 100 नंबर जाने वाली है सीनियर की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की 90, ओबीसी के 98, एससी के 88, एमबीसी की 92 और एसटी जिसके 40% आ रहे हैं दोनों पेपरों में, 40 40, 80 जिसके नंबर आ रहे हैं वो एसटी के लिए दो गुना में लिस्ट आउट हो सकता है। प्यारे दोस्तों, ये हमारी आपके द्वारा बताए गए रिव्यू के आधार पर ये अनुमानित कट ऑफ थी। हो सकता है कुछ साथी, कुछ हमारे दोस्त, कुछ स्टूडेंट भाई लोग हमारी इस कट ऑफ से असहमत हो सकते हैं, परंतु ये एक बहुत ही सटीक और एक प्रमाणिक कट ऑफ हमने तैयार करने की कोशिश की है। फिर भी आपको आपको क्या लगता है कट ऑफ क्या रहने वाली है, आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। यदि आपने, फिर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ प्यारे दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में साथ, नेक्स्ट सेक्शन के साथ जल्दी आपकी आंसर की जारी होगी, उस आंसर की के बिग अपडेट के साथ हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।